सब्सक्राइब कीजिए जॉब लट गुरु को और इस घंटे के बटन को दबाइए जॉब से संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब लट गुरु में। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेटेस्ट जॉब के तथा हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में वीडियो लेके आते हैं। आज वीडियो का जो टॉपिक है वो DMHS है, डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस। इसमें टोटल वैकेंसी है 4514। इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। इसमें नर्स ग्रेड सेकंड की 4155 पोस्ट है, वो नॉन शेड्यूल एरिया के लिए, और 359 पोस्ट है वो नर्स ग्रेड सेकंड की शेड्यूल एरिया के लिए। इनकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो स्टार्टिंग डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन 12/4/2018 से होंगे, तथा लास्ट डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की होगी वो 12/5/2018। एप्लीकेशन फीस है वो फॉर अदर कास्ट एंड जनरल कैंडिडेट्स की है RS 500, और OBC BC ST SC के लिए 300 रुपये, और विधवा या डिवोर्स्ड जो है उनके लिए 250 रुपये, और प्रोसेसिंग चार्ज है वो 50 रुपये। क्वालिफिकेशन है वो सीनियर सेकेंडरी है, जिसके साथ में GNM होना ज़रूरी है। एज लिमिट है वो मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। चलिए हम जो पोस्ट है उनकी विस्तृत जानकारी आपको बता देते हैं, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। टोटल पोस्ट में से जो पोस्ट है वो अनारक्षित वर्ग के हैं उनके लिए है, कुल पद है 2077, जिसमें से पुरुष की है 1039 और महिला की है 1038, और अनुसूचित जो जाति वर्ग के हैं उनके लिए 655 पोस्ट है टोटल, और पुरुष की है 328 और महिला की है 327। अनुसूचित जनजाति वर्ग के उनकी टोटल पोस्ट है 491, और पुरुष के 246 और महिला के 245। 12 जिले के जो शहरिया वर्ग के हैं उनकी है 31 पोस्ट है टोटल, और पुरुष की है 16 और महिला की है 15। अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं उनकी है 861 पोस्ट है टोटल, और पुरुष की है 431 और महिला की है 430। अति पिछड़ा वर्ग है उनके लिए कुल पद है 40, पुरुष की है 20 और महिला की है 20। जिसके लिए जो आरक्षण है वो होगा विधवा, परिपक्वता, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए नियमानुसार जो विज्ञापन है उनके अनुसार उनको आरक्षण दिया जाएगा। नर्स ग्रेड सेकंड का जो वेतनमान रहेगा वो 26,500 रुपये रहेगा। नर्स ग्रेड सेकंड की जो योग्यता है वो सीनियर सेकेंडरी या इसके साथ में इसके बराबर जो कोर्स है सीनियर सेकेंडरी के वो होना चाहिए, इसके साथ में ही GNM कोर्स होना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज जो भी यूनिवर्सिटी है उनका होना चाहिए, और रजिस्टर्ड होना चाहिए RNCA में। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्मेट भरना पड़ेगा अनुभव के लिए, अगर आपका अनुभव है तो। अगर आपका अनुभव ऑलरेडी से पहले से है तो वो जो भी आपने जहाँ से भी अनुभव प्राप्त किया है कॉलेज से या हॉस्पिटल से वहाँ से सत्यापित किया होना चाहिए। जो वरीयता की सूची होगी वो प्राप्त अंकों के जो प्रतिशत औसत होंगे वो 85% वेटेज के दे बोनस होगा। इसके लिए आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की ज़रूरत रहेगी, चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत रहेगी, और जो राष्ट्रीयता है वो इंडियंस हैं या नेपाल है या भूटान है उनकी आपको ज़रूरत रहेगी। चयन योग्यता के लिए आपके पास एक से अधिक जीवित पत्नियां नहीं होनी चाहिए। और ऐसी कोई भी मिलन नहीं होने चाहिए जिसके दो पति हों, और अभ्यर्थी हैं उनके दो बच्चे से अधिक नहीं होने चाहिए, वो भी 1/6/2002 के बाद में।
अगर आपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया है तो आप पात्र नहीं माने जाएंगे। तो दोस्तों ये थी नर्स ग्रेड सेकंड, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा राजस्थान के जो नर्स ग्रेड सेकंड है उनके जो विज्ञापन है उसके बारे में जानकारी। और हम आपको 12/4/2018 को जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे वो फॉर्म भर के भी दिखाएंगे। तो हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।